अभी इन सबको जो है ना मैंने पालक के पत्ते ला के ना उसके छोटे छोटे पीस किए और यहाँ पर ना इन सबको डाल दिया है और यहाँ में हमारी सारी मुर्गियाँ वगैरह ना खा रही है। और स्नो को जो है ना मैंने बाहर निकाला है तो स्नो ये रही, ये स्नो ना यहाँ पर आ गई है मिट्टी के अंदर खेलने के लिए। इसको मिट्टी के अंदर ना बड़ा मज़ा आता है और वैसे भी आपको पता है गर्मियाँ आ गई है और इनको ना मिट्टी जब गीली कर देते हैं ना तो यहाँ पर ये नहाते हैं, ठंडी ठंडी मिट्टी होती है, फिर यहाँ पर आराम से बैठे रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो। दोस्तों इनके अंदर ना आपको हमारी ब्राउन वाली मुर्गी नज़र नहीं आ रही होगी जिसके ये तीन बच्चे थे ना, माशाल्लाह से ये भी बड़े बड़े हो गए, जिसके ये तीन बच्चे थे ना वो मुर्गी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही होगी। वो मुर्गी जो है ना आपको मैंने कल वाली वीडियो में शायद आपको बताया हो, जब मैं अंडा उठा रहा था ना तो आपको पता है कि वो मुर्गी जो है ना आगे से मार रही थी तो हमें कन्फर्म हो गया था ये क्रूक है। तो मुर्गी को जो है ना हमने अंडे वगैरह जोड़ के ना इस केज के अंदर बिठा दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर ये मुर्गी बैठी हुई है और इसके नीचे ना हमने 10 अंडे रखे हुए हैं और 10 अंडों के बाद जो है ना ये क्रूक हो गई थी। और ये बाकी जो अंडे हैं ना मैं जोड़ रहा हूँ इस मुर्गी के और ये ब्लैक वाली मुर्गी के अंडे मैं जोड़ रहा हूँ। अब ये जब दोनों कुड़क होगी ना इनको भी बिठा देगी और इस दफ़ा हमारे जो है ना वाइट के भी बच्चे निकल आएंगे, फिर इस वाली ब्राउन के भी बच्चे निकल आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो है ना काफ़ी बारिश हुई है, तो बारिश होने के बाद जो है ना मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है तो यहाँ पे देखिए अभी भी जो है ना थोड़ा पानी खड़ा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ब्रूनो फॉल जो है ना हमने सेल कर दी है, उसकी जगह ना हम और कुछ लेकर आए, वो भी मैं आपको कल वाली वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पे ना मुर्गी निकली हुई है और अंडे की वैसे ही पड़े हुए हैं, मुर्गी निकल के ना बाहर आई हुई है, इसको भूख लग गई थी तो बाहर जो है ना दाना वगैरह खाने आई है, तो दाना खा के ना वापस चली जाएगी अपने इधर बैठ जाएगी अंडों पे। दोस्तों मिट्ठू को भी मैंने ऊपर ले आया, मौसम जो है ना काफ़ी प्यारा हुआ है, देखिए बादल आए हुए हैं, मुझे लगता है दोबारा से बारिश आएगी। और अभी हम चलते हैं अपने पैरट हाउस की तरफ। तो इनके जो बच्चे हैं ना काफ़ी बड़े हो गए, ये देखिए माशाल्लाह से जो है ना तीन है, एक दो तीन बच्चे, ये सबसे ये वाला जो है ना सबसे बड़ा है और ये ना इतना गुस्सा करते हैं मुझे देख के। तो अभी उन दोनों के जो है ना पर नहीं आए, इसके जो है ना पर आ गए ये बड़े वाले के, तो माशाल्लाह से तीनों के तीनों ना पल गए हैं। इस बार जो है ना इनके बच्चे पल गए हैं पर इन्होंने जो है ना अभी अंडे दिए हो गए। ये देखिए फीमेल जो है ना अंडों पर बैठी हुई है, देखिए मिठू के कहाँ, मिठू कहाँ पर चढ़ के बैठा हुआ है। अरे नीचे उतर, अरे आ जा नीचे, इधर आ जा इधर, तो ये ना ऐसे ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। तो जब मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ ये बड़ा खुश होता है इन सबको देख के, क्योंकि ये जो है ना इसकी फैमिली की तरह ही है सारे के सारे। कोटल का जो पहले वाला बच्चा था ना वो मैंने सबसे नीचे छोड़ा होगा ये हमारे बजी पैरट के साथ, जिनके बच्चे मैंने कल दिखाए थे ना कल वाली वीडियो में। देखिए हमारा कोटल का जो पहले बच्चा निकला ना यही मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था क्योंकि इसके माँ बाप ने अंडे दिए हुए थे। दोस्तों जो हमारी फिंचीज है ना इनके अभी तक बच्चे नजर ही नहीं आए हैं, अंडे दे जा रहे हैं तो यहाँ पे अंडे दे के वैसे ही घूमते रहते हैं, अभी तक इनके बच्चे नहीं निकल रहे। दो दफ़ा इन्होंने अंडे दे दिए, दोनों दफ़ा ख़राब हो गए थे। जैसे बारिश हुई है ना यहाँ पर ये सारी ज़मीन ठंडी हो गई है, तो मुर्गे हमारे जो है ना बड़े आराम से यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, अब इनको जो है ना गर्मी वगैरह भी नहीं लग रही। और हमारी मुर्गी जो है ना हमारी मुर्गी वापस आ गई है, अंडों पर बैठ गई है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारी मुर्गी के बच्चे निकले हैं कि नहीं निकले, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, तो आज इसका दिन आखिरी था, आज के दिन इसके बच्चे निकल जाने थे, तो अभी चेक कर लेते हैं। ये क्या है? तो दोस्तों कहीं एक बच्चा ना निकला हुआ था मगर जो है ये एक्सपायर हो गया। ये देखें व्हाइट कलर का बच्चा था, इतना प्यारा बच्चा निकलना था, ये व्हाइट फुल व्हाइट कलर का था, तो ये पता नहीं कैसे मरा। बाकी ये अंडा क्रैक हो रहा है, अभी ये टूट रहा है। दोस्तों अभी बाकी के बच्चे जो है ना अभी निकलने, एक जो निकल रहा था ना उसको पता नहीं क्या हुआ है, वो ना मरा हुआ था निकला, पता नहीं वैसे ही मरा है या इसने मरा, अभी ये कन्फर्म नहीं है। बाकी जो है ना इसके बाकी अंडे इंशाल्लाह इनमें से बच्चे निकल आएंगे, अब इसको डिस्टर्ब नहीं करते हम, जब बच्चे सारे निकल आएंगे ना फिर मैं आपको। ये देखिए माशाल्लाह से फुल वाइट कलर का बच्चा था, अचानक इसको कुछ हुआ तो ये जो है ना बच नहीं पाया, क्या पता इसकी किस्मत ही ना हो यहाँ पे हमारे सेटअप पे आने की। तो दोस्तों आज का भी लोग यहाँ तक, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।